हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और आपने 2019 में एग्जाम दिया है विषम सेमेस्टर का, और आप सभी का अगर किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अर्थात अगर रीचेक और स्क्रूटनी का फॉर्म आपको फिलअप करना है या बैक पेपर से रिलेटेड है या विशेष बैक पेपर से रिलेटेड है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फॉर्म भरने से पहले इस इन्फॉर्मेशन को समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी का बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम स्क्रूटनी के फॉर्म को फिलअप करें या रीचेक के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट वीडियो तक बता दूंगा कि स्क्रूटनी का भरें या रीचेक का भरें, किन्हें स्क्रूटनी का किन्हें रीचेक का भरना चाहिए, क्या फीस है। एक नोटिस जारी हुई है सचिव जी के द्वारा, इसको मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। तो जैसा आप देख सकते हैं, सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रधानाचार्य निदेशक परिषद से संबंध समस्त राजकीय राजकीय और अनुदानित और निजी, अर्थात गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए ये इन्फॉर्मेशन आई है। यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है, अर्थात ये किस पर सब्जेक्ट पर नोटिस जारी हुई है, आप देख लीजिए। सब्जेक्ट दोस्त की विषम सेमेस्टर परीक्षा हो या बैक पेपर परीक्षा हो या फिर विशेष बैक पेपर परीक्षा हो या फिर 2019 के परीक्षा फल से संबंधित स्क्रूटनी या पूर्व मूल्यांकन अर्थात रीचेक कराने के संबंध में ये आपका नोटिस जारी हुआ है। तो उन्होंने बताया कि उपरोक्त विषय यहां पर अवगत कराए हैं उन्होंने कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा, बैक पेपर परीक्षा, विशेष बैक परीक्षा सभी का या फिर 2019 का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे विद्यार्थी जो अपने अंकों से असंतुष्ट है, इसका मतलब जो अपने पेपर्स में असंतुष्ट है, जिनको लगता है कि हमारा ये कम नंबर आया है या जिनका बैक है पेपर में कम नंबर आया, जिनका ग्रेस है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, तो उन सभी को रीचेक और स्क्रूटनी के लिए क्या करना है, उनको परिषद की वेबसाइट जारी की गई। आपको जैसा कि पता भी होगा, ये जो आपको साइड यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, result.btupexam.in, ये ऑफिशियल साइट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऑफिशियल साइट के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको जैसा कहा गया, अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर स्क्रूटनी और रिवॉल्यूशन के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर किया गया कि अगर आप स्क्रूटनी और रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भर सकते हैं, लेकिन उस फॉर्म को भरने से पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक क्लियर देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसा कहा गया दोस्त कि स्क्रूटनी और पूर्व मूल्यांकन की वेबसाइट पर आप उपस्थित या उपलब्ध लिंक आपको मैं दे दूंगा, उससे आप कर सकेंगे। जैसा कि आप ये लिंक देख भी सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ बताया गया दोस्त कि लिंक छात्र अपने एनरोलमेंट नंबर और जन्म तिथि की सहायता से आवेदन ओपन कर सकते हैं। अर्थात उसके लिए आपका क्या चाहिए, आप जैसा एनरोलमेंट नंबर आपका होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, उसी को फिलअप करके आप आवेदन कर सकेंगे। लेकिन आवेदन के लिए आपको तीन चरण से गुजरना पड़ेगा। तो तीन चरण कौन कौन से हैं, इसको समझिए। पहला चरण आपका आता है रजिस्ट्रेशन, अर्थात स्क्रूटनी या रिवॉल्यूशन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रूटनी रिवॉल्यूशन का आवेदन ओपन करने के उपरांत छात्र छात्राएं कतिपय विषयों में जो आप जिस सब्जेक्ट में चाहते हैं स्क्रूटनी या पूर्व मूल्यांकन के लिए चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म को ओपन करेंगे, आपको वहां पर रिवॉल्यूशन का अलग वहां पर आपको दिखेगा, सभी ऐसे आपको इस प्रकार आपको दिखेंगे डिब्बे, और आपको रिवॉल्यूशन के अलग रहेंगे और रीचेक के दोनों अलग रहेंगे। अब उसमें से जिसमें आपको इस सब्जेक्ट ऐसे सामने आपको यहाँ पर लिखे रहेंगे, ठीक है, हम अभी आपको वो भी क्लियर आपको दिखा देते हैं। तो उसी में जिसमें आपको फॉर्म को अगर आपको रिवॉल्यूशन में करना है तो उसमें चेकआउट करें, ठीक है, उसमें चेक मतलब आपको टिक लगाना है, और अगर आप रीचेक में करना है तो उसको जिस सब्जेक्ट में उसके सामने आपको करना होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। तो यहां पर यदि कोई विषय आवेदन में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, अगर आपको उसमें लगता है कि जो आपको फॉर्म वहां पर दिखाई दे रहा है उसमें आपको वो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो आवेदन में नीचे उपलब्ध एक आपका ऐड मोर ऑप्शन रहेगा, वहां पर क्लिक करके आप विषय कोड और नाम को भरकर आवेदन कर सकते हैं। आगे दोस्त यह है कि आपका यदि कतिपय विषयों में, अब देखिए अभी रुकिए रहिया, हमें आपको स्क्रूटनी रीचेक क्या भरना है इस चीज को आप समझ लीजिए, तभी आपको फॉर्म को फिलअप करिए। देखिए दोस्त, क्या है कि यदि कतिपय विषयों में आवेदन या स्क्रूटनी या पूर्व मूल्यांकन विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्राएं आवेदन के लिए सेव या प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षित कर आवेदन का प्रिंट ले लेंगे, और इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद छात्र छात्राएं 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प अर्थात पे फीस ऑनलाइन के माध्यम से स्क्रूटनी और पूर्ण मूल्यांकन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। देखिए दोस्त, इससे पहले क्या था, जैसा कि हमने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि जो आपका फीस है
है वो आप ऑनलाइन अब जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपका था कि आपको ऑफलाइन जमा करना पड़ता था कुछ पहले, तो लेकिन अब आप उसको ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको 24 घंटे रखा गया, अर्थात जैसे आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे उसके 24 घंटे के अंदर ही आपको अपनी फीस को जमा करना है। तो जैसा बताया गया कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद छात्र छात्राएं 24 घंटे के उपरांत, ये 24 घंटे के उपरांत आपको क्या करना है, 24 घंटे के बाद आप द्वितीय विकल्प जो आपका आएगा उसमें पे फीस, अर्थात आपको क्या करना होगा, पेमेंट अपनी फीस को जमा करना होगा। माध्यम से स्क्रूटनी या पूर्व मूल्यांकन का शुल्क भुगतान कर सकते हैं। और ज्ञात है कि किसी भी विषय में स्क्रूटनी या पूर्व मूल्यांकन में से एक चीज आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या मैं एक सब्जेक्ट में रीचेक या रिवॉल्यूशन दोनों को फिलअप कर सकता हूं। तो यहां पर बिल्कुल यहां पर साफ क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी विषय में स्क्रूटनी या पूर्व मूल्यांकन अर्थात स्क्रूटनी या रीचेक में से एक ही विकल्प को चयनित किया जा सकता है। अर्थात यहां पर आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट में स्क्रूटनी या रीचेक, ठीक है, दोनों को आप नहीं चुन सकते हैं। और कतिपय विषय में आवेदन करते समय दोनों विकल्पों का चयन सावधानी पूर्वक करना है, मतलब आपको यह ध्यान देना है कि जो आपका सब्जेक्ट है आप रीचेक में फिलअप कर रहे हैं या स्क्रूटनी में। देखिए आपका दोनों का यह नियम अलग होता है, स्क्रूटनी और रीचेक का, मैं आपको वो चीज क्लियर कर दे रहा हूं। उसके पहले आप देख लीजिए पे फीस ऑनलाइन। तो जैसा आपको पता है दोस्त, आपको फीस आपको ऑनलाइन ये जमा करना होगा, अर्थात जो स्क्रूटनी और रीचेक के लिए रख रहा है। अगर स्क्रूटनी की बात करें तो आपका स्क्रूटनी का कम फीस लगता है, ₹60 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपका स्क्रूटनी का लगेगा। ओके, पर सब्जेक्ट के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, पर जैसे यहां पर प्रति विषय लिखा है तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपका स्क्रूटनी के लिए ₹60 और पर सब्जेक्ट के हिसाब से रीचेक के लिए आपका प्रति विषय या पर सब्जेक्ट आपका ₹500 लगेगा। कितना? ₹500। हमने ऑलरेडी इस चीज को आपको बताया था वीडियो में, अगर आपने देखा होगा पहले की वीडियो तो आपको पता होगा दोस्त, हमने आपको इस चीज को बताया था, ठीक है। इसके बाद दोस्त यहां पर आता है आपको पे फीस ऑनलाइन, ये फॉर्म का पूरा यहां पर बता रहे हैं एक एक स्टेप कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना। अगर इस नोटिस के माध्यम से आप फॉर्म भी फिलअप करेंगे अपना तो मोबाइल से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो पे फीस ऑनलाइन विकल्प में अगले पेज पर टर्म एंड कंडीशन, यहां पर आप डायलॉग बॉक्स को क्या करना है, क्लिक करके अगले पेज पर जाएंगे, अर्थात वहां पर आपको टर्म कंडीशन कुछ दिया रहेगा, उस बात को आप चेकआउट करेंगे, चेक करके आगे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले पेज में फीस कैटेगरी से बोर्ड फीस चयनित कर छात्र छात्राएं एनरोलमेंट संख्या और अर्थात एनरोलमेंट नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ भरकर टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सबमिट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पेज पर प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पेमेंट, छात्र छात्राएं अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और इंसर्ट करने के उपरांत इन सभी को फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड आपको वहां पर दिया जाएगा, उस कैप्चा कोड को वहां पर आपको भरना है और टेस्ट को इंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अर्थात उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। इतना करने के बाद आगे यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा आपका, आगे दोस्त ये होगा कि क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे और वेरीफाई डिटेल्स एंड कन्फर्म दिस ट्रांजेक्शन आप पहुंचने के बाद, अर्थात आपका वहां पर जैसे क्लिक करेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा और ट्रांजेक्शन अर्थात आपका वहां पर सक्सेसफुली क्या मतलब आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। जैसे यहां पर बताया गया, पहुंचने के बाद छात्र छात्राएं सभी डिटेल्स को चेक कर या सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांजेक्शन में प्रदर्शित हो रही जानकारी सही है या नहीं। तो इस चीज को सही करने के बाद ट्रांजेक्शन में उपलब्ध जानकारी से संतुष्ट होने के उपरांत कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पर और भी यहां पर प्रोसेस आपको दिया गया, यहाँ पर आगे आपको बताया गया दोस्तों कि आप इन विकल्प के माध्यम से आप अपने फीस को वहाँ पर जो आपकी फीस लगी उसको आप जमा कर सकते हैं। देखिए जब आप अगले पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको चार विकल्प दिए जाएंगे। पहला, आप इंटरनेट बैंकिंग अर्थात SBI या अदर बैंक के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या आप कार्ड पेमेंट अर्थात आपके पास SBI ATM है या फिर डेबिट कार्ड है या अदर बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से भी आप कर सकेंगे। अगला दोस्त, अदर पेमेंट मोड या SBI ब्रांच या NEFT, यहां पर RTGS आपके पास मैक्सिमम के पास आपके पास कार्ड होगा आप अपने कार्ड से भी कर सकेंगे, या फिर आपका लास्ट यहां पर UPI दिया है, UPI के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर बताया गया जिन छात्र छात्राओं के पास इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी सुविधा नहीं है वो पेमेंट चालान के माध्यम से भी प्रिंट कर सकते हैं। अर्थात दोस्त जिनके पास ये सभी व्यवस्था अगर नहीं है, वो नहीं कर पा रहे, तो वो पेमेंट चालान प्रिंट कर लेंगे। किसी भी SBI ब्रांच में जाकर छात्र छात्राएं पेमेंट चालान के माध्यम से अपनी
स्क्रूटनी या पूर्व मूल्यांकन का शुल्क जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सभी नहीं है तो आप चालान के माध्यम से बैंक में जाकर, वहां पर आप SBI बैंक में जाइए और वो पेमेंट आपका चालान कट जाएगा आपकी स्क्रूटनी और पूर्व जो मूल्यांकन अर्थात रीचेक के लिए। तो किसी भी भुगतान माध्यम उपयोग करते समय आपको इस ध्यान देना है कि उपयोग करते हेतु बैंक शुल्क संबंधित विकल्प के नीचे प्रदर्शित किए जाने वाले भुगतान से पूर्व बैंक शुल्क की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई करें। ठीक है, तो यहां पर डिटेल्स आपको यह दिया गया कि अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप चालान के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहां बताया गया दोस्तों कि भुगतान करने के 24 घंटे के उपरांत छात्र छात्राओं के आवेदन में उपलब्ध तिथि विकल्प आफ्टर फीस सबमिशन और टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट लेंगे और आवेदन से पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट आउट को अपने संस्था प्रधानाचार्य को जमा करेंगे। इस चीज को ध्यान देना है कि आपको जो मिलेगा अर्थात जो आपका फीस सबमिशन और टेक रिसिप्ट जो आपको मिलेगा फीस का और जो आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बुलाया, दो चीज आपको जो मिलेगा उसको अपने कॉलेज में जाना है और प्रधानाचार्य के पास इसको जमा करना है अपनी संस्था में। आप जिस भी कॉलेज में अपने संस्था में उस चीज को जमा करना है तभी वहां से आपका मान्य माना जाएगा। आगे जो प्रोसेस होगा संस्था में जमा ना आपका अनिवार्य है। तो किसी भी प्रकार के असमंजस की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर आपको यहां पर हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, तो आप अगर समाधान चाहते हैं किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो इस पर ये चुकी आपकी ऑफिशियल है तो यहां पर आपका ये नंबर पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। यहां बताया गया कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा द्वारा ये भी दिया गया उपलब्ध कराई जा रही किसी भी विषम परिस्थिति में भुगतान संबंधित परेशानी या विवाद से संबंधित बैंक से संपर्क साधना होगा। ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा किसी प्रकार की सहायता संभव नहीं हो पाएगा, अर्थात यहां पर बताया गया अगर आपको कोई दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करते रहे। आगे बताया गया दोस्तों स्क्रूटनी या पूर्व मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि इसकी रखी गई है 5/3/2020। तो आपको जल्द से जल्द इस फॉर्म को करना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है स्क्रूटनी और पूर्व जो आपका रीचेक का है वो 5/3/2020 इसकी लास्ट डेट है, इस चीज को ध्यान दीजिए। और पेमेंट रिसिप्ट करने की अंतिम तिथि आपकी जो है 7/3/2020 है, अर्थात अगर आप 5/3 को रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका 7/3/2020 को आपको प्रिंट करने हेतु अर्थात फीस को जमा करके प्रिंट लेने की जो डेट है वो आप 7 तारीख तक कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट डेट है, इसके बाद अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डेट बढ़ने की नहीं है। तो परिषद द्वारा स्क्रूटनी और पूर्व मूल्यांकन हेतु उपरोक्त ऑनलाइन के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अर्थात ओनली ये ऑनलाइन आपके स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी प्रकार के आपके ऑफलाइन या किसी और माध्यम से आपके यहां पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब बात आती है यहां पर स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करें या फिर रीचेक का, अभी इस चीज को समझ लीजिए। हमने आपको बता दिया अंतिम डेट आपकी 5 मार्च रखी गई है, इस चीज को ध्यान रखिए, और फीस और आपके सब कुछ वहां पर क्लियर करने की वो 7 मार्च तक रहेगी, अर्थात रजिस्ट्रेशन की 5 मार्च है, अभी डेट बढ़ने की कोई यहां पर नहीं, लेकिन आप जल्द से जल्द अपना कराइए। अब बात आती है दोस्त रीचेक भरे स्क्रूटनी, तो अगर आपको लगता है दोस्त कि हमने पेपर्स में अच्छा किया था तो आप डेफिनेटली आप रीचेक का फॉर्म भरे, ठीक है, स्क्रूटनी नहीं रीचेक का फॉर्म भरे, जिससे आपकी रीचेक में हमने आपको ऑलरेडी बताया कि रीचेक में होता क्या है, आपकी कॉपी जितनी भी रहती है पूरी एक बार पूरा डिटेल्स में देखा जाता है और अगर आपके नंबर उसमें कम होते हैं अर्थात सही से कॉपी नहीं चेक होती तो दोबारा आपकी कॉपी चेक होती है, तो आपका पूरा नंबर बढ़ने के वहां पर आशा यह रहती है। अगर आपने सही किया है तो नंबर बढ़ता है, अगर आपने गलत किया है या आपने मतलब जो आपका जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए आपका 15 नंबर आया है और आप सोचते हैं कि हमारा नंबर और बढ़ जाए और लेकिन आपने पेपर अच्छा नहीं किया था तो आपके नंबर घट भी सकते हैं, ठीक है, तो यह चीज रहता है। लेकिन अगर आपका ग्रेस लगा है कुछ देर के लिए, अगर आप समझिए अगर आपका पेपर में ग्रेस लगा है अर्थात जैसे 12-13 नंबर प्लस के बाद ग्रेस लग जाता है, तो अगर इतने के बाद अगर आपका ग्रेस लगता है तो आप कोशिश करें रीचेक का डालने के, ठीक है, बैक हो जाता है पेपर आप फिर से दे लेंगे वो ठीक है लेकिन ग्रेस आपका अच्छा नहीं रहेगा, तो कोशिश करें कि आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करें और आप अपने पेपर्स में अगर आपको बैक हो जाता है तो पेपर फिर से आप दे लेंगे, लेकिन अगर आपका उसमें ग्रेस दिखाएगा तो वो आपके रिजल्ट में भी प्रदर्शित कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप रीचेक करें, स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप उस कंडीशन में करें कि अगर आपको लगता है कि आपका ऊपर कहीं पर नंबर, देखिए स्क्रूटनी में होता यह है दोस्त कि स्क्रूटनी में आपके जो कॉपी के ऊपर से नंबर वहां पर रखे जाते हैं अर्थात जो भी आपके नंबर आपको मिलते हैं, मान लीजिए 25 से 30 नंबर आपको कुछ भी मिलते हैं, तो अगर नंबरिंग में आपको काउंट करने में कोई प्रॉब्लम हो जाए
जाती है तो वो काउंट करके चढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो नंबर फिर से वही अपडेट कर दिए जाते हैं, कोई इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो रीचेक में ये होता है, बस आपकी फीस इसीलिए ज़्यादा रखी जाती है, 500 रुपये रीचेक के लिए, स्कूटी के लिए इसीलिए 60 रुपये। तो 500 रुपये इसीलिए लगता है दोस्त कि आपकी कॉपी फिर से पूरी चेकआउट होती है, जिस कॉलेज में जाती है उसको पूरा देखा जाता है और उसको मतलब पूरा एक बार पूरा चेक किया जाता है, उसके बाद आगे प्रोसेस किया जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है इस चीज़ को जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर एक अलग सा वीडियो बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को एक एक फिलअप करना है। और अगर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस ऑफिशियल साइट का, वहां से आप डायरेक्टली जाकर इस PDF को डाउनलोड करके सभी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और उसके बाद अपने स्कूटनी या रीचेक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।